हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग उपमा बनाने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिलेस लेट्स गेट स्टार्टेड आवर रेसिपी। हमारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स है हाफ कप कुकिंग ऑयल, प्याज स्लाइस्ड कटी हुई 1 कप, थ्री टू फोर हरी मिर्च बारीक कटी हुई, कड़ी पत्ते 10 से 12, कच्ची कैरी बारीक कटी हुई 2 टेबलस्पून, टोमेटो 2 मीडियम साइज के चॉप किए हुए, धनिया 1/2 कप, एंड हमें चाहिए कुछ स्पाइसेस। राई 1 टेबलस्पून, जीरा 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टेबलस्पून, नमक 1.5 टेबलस्पून, मिर्ची पाउडर 1 टेबलस्पून एंड गरम मसाला 1/2 टेबलस्पून। एंड हमें चाहिए 1/2 kg रवा, इसे सूजी भी कहते हैं। अब हमें एक कढ़ाई लेनी है, उसमें 1/2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करना है। अब हमें इसमें रवा ऐड करना है और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। हमें उसे कंटिन्यूसली चलाते हुए पकाना है ताकि वो नीचे से जले ना। देखिए हमारा रवा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। देखिए रवा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल ऐड करेंगे। अब हम उसमें स्लाइस्ड की हुई प्याज ऐड करेंगे। अब हम इसमें ज़ीरा और राई ऐड कर देंगे। और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे।
अब हम उसमें कड़ी पत्ते भी ऐड कर देंगे। हरी मिर्च ऐड करेंगे। प्याज को हमें लाइट ब्राउन होने तक पकाना है। अब हम उसमें टोमेटो ऐड कर देंगे, कच्ची कैरी बारीक कटी हुई ऐड करेंगे। हमें टोमेटो को सॉफ्ट होने तक पकाना है। अब हम उसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे, नमक, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और उन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम उसमें पानी ऐड करेंगे 1 लीटर के करीब। हमने 1/2 लीटर रवा लिया है, हमें उसमें 1 लीटर पानी ऐड करना है। उसमें एक बॉईल आने तक हम उसे पकाएंगे। देखिए इसमें बॉईल आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें रवा ऐड कर देंगे। अब हम इसे कंटिन्यूसली चलाना है। देखिए हमारा उपमा रेडी है। हम उसमें हरा धनिया डाल देंगे। अब हम उसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। देखिए हमारा टेस्टी उपमा रेसिपी रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thanks for watching.